हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेबर कोड के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से। ओके, द मेन टॉपिक इज गोइंग ऑन एज अ कॉन्सिलिएशन मशीनरी अथॉरिटीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वर्क कमिटी सेक्शन 3, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर सेक्शन 4, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन सेक्शन 5, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक लेबर कोड सेक्शन 7। ओके, सो सेक्शन 7 कवर करता है लेबर कोड्स को, और लेबर कोड भी एक तरीके से कॉन्सिलिएशन मशीनरी या अथॉरिटी का काम करता है, जो डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन सेटलमेंट के लिए काम करता है, कि अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी फैक्ट्री है, अगर वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट्स बिटवीन द एम्प्लॉई, डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, इन दैट केस विद द हेल्प ऑफ दिस हायर अथॉरिटीज एंड द मशीनरीज डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व इन्वेस्टिगेट रिजॉल्व एंड सेटल बाय द अप्रोप्रिएट और अपॉइंटेड अथॉरिटीज। ठीक है, तो जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, डिस्प्यूट्स को इन्वेस्टिगेट करती हैं, इंस्पेक्ट करती हैं और सेटल करती हैं, ताकि इसका कोई भी इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस या जो फैक्ट्री है वहाँ के एनवायरनमेंट पे, वहाँ की प्रोडक्टिविटी पे ना पड़े। ठीक है, तो लेबर कोड भी क्या है, लेबर कोड भी एक तरीके से कॉन्सिलिएशन मशीनरी है या अथॉरिटी की तरह काम करती है, जिसमें जो भी डिस्प्यूट है चल रहा है उसके रिगार्डिंग काम करती है। ठीक है, डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करवाना, डिस्प्यूट को इंस्पेक्ट करवाना, उसका सेटलमेंट, टाइम पे सेटलमेंट होना, ये सारी प्रैक्टिसेस इससे रिलेटेड है जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले है क्या अपॉइंटमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, किस तरीके से किया जाता है। अपॉइंटमेंट एंड Constitution. The appropriate government may by notification in the official gazette constitute one or more labor code for the adjudication of industrial dispute relating to the any matter specified in the second schedule. Okay? तो जो appropriate government है वो क्या है, इसको constitute करती है by their official gazette or notifications. ठीक है, वन और मोर लेबर कोड फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स, दीज कोड शैल ऑल्सो परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे बी असाइन टू देम। जो भी उन्हें फंक्शंस असाइन किए जाते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट constitute one or more labor code for adjudication of industrial dispute relating to any matter specified in second schedule. Okay,
सेकंड वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ज्यूरिडिकेशंस ऑफ लेबर कोर्ट। अंडर सेक्शन 7 मैटर्स विद इन द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ लेबर कोर्ट आर फर्स्ट वन इज लीगैलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर। Legality of an order passed by an employer under standing orders। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑर्गेनाइजेशंस में जो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज स्टैंडिंग में एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं रिलेटिंग टू द फैक्ट्रीज। ठीक है, अब अगर आप कोई भी ऑर्डर पास करवा रहे हो एज अ एम्प्लॉयर, कोई भी ऑर्डर पास करवा रहा है अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में, तो उसको पहले क्या करना होगा, लेबर कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, वहाँ पे जो भी अथॉरिटीज है उनसे वेरीफाई करवाना होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है लीगैलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर। सेकंड वन है एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड एप्लीकेशन और उसका इंटरप्रिटेशन ऑल्सो डन बाय द लेबर कोर्ट्स। आफ्टर दैट इलीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक लॉकआउट, ओके, और लास्ट है ऑल मैटर्स other than those specified in third schedule, okay, a labor court shall consist one person only to be appointed by the appropriate government। A labor court shall consist of one person only to be appointed by appropriate government। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट इन लेबर कोर्ट, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन लेबर कोर्ट। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाई फॉर द अपॉइंटमेंट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिस ऑफ लेबर कोर्ट अनलेस ही इज और हैज बीन जज ऑफ हाई कोर्ट। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट as presiding office of labor court unless, ध्यान दीजिए यहाँ पे unless लिखा हुआ है, ठीक है,
He is or has been a judge of High Court. Okay? High Court का जज होना चाहिए. Second हम बात कर रहे हैं. He has for period not less than 3 years. Time period क्या है? Time period 3 years का है. 3 years. District judge और additional district judge. 3 साल का time period इसका complete होना चाहिए as a district judge और additional district judge. Okay. उसके बाद जो qualification है वो क्या है? He has held any judicial office in India for not less than 7 years. He has held any judicial office in India for not less than 7 years. और लास्ट है, he has been the presiding office a labor court constitute under the provisional act not less than 5 years. Okay, so these are the qualifications. The presiding officer of a labor court shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 1860, section 11, subsection 6. Okay? Thank you.